आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ, सामाजिक परिवर्तन क्या है। जैसा कि सामाजिक परिवर्तन दो शब्दों से मिलकर बना है, सामाजिक और परिवर्तन। साधारण बोलचाल की भाषा में किसी भी वस्तु या समाज का परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है, लेकिन भिन्न भिन्न विद्वानों ने सामाजिक परिवर्तन को भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्या की है। जैसा कि लैंडिस ने कहा है कि समाज में जो परिवर्तन होता है, उसके कार्यों में जो परिवर्तन होता है, उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, और यह हमेशा परिवर्तन होता रहता है। कोई भी वस्तु या समाज ऐसा नहीं है जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसा कि प्रसिद्ध समाजशास्त्री लुम्ले महोदय ने कहा था कि परिवर्तन होता है और हमेशा होता रहेगा, क्योंकि अगर परिवर्तन नहीं होगा तो समाज का विकास नहीं हो सकता है। आज आधुनिक युग में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अगर मैं कृषि का बात करूं तो पहले हल बैल द्वारा खेत की जुताई की जाती थी, जिसमें काफ़ी समय लगता था। आज आधुनिक युग में ट्रैक्टर के द्वारा खेत की जुताई की जाती है। पहले उन्नत बीज की कमी थी, आज उन्नत बीज की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिससे पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन करें तो आज शिक्षा का विकास संपूर्ण भारतवर्ष में हुआ है। आज कंप्यूटर का युग है। आज देखा जाए तो अगर विश्व का किसी भी कोने में अगर पढ़ाई हो रही है तो हम कोसों दूर बैठकर उस लेक्चर को सुन सकते हैं, जो कि परिवर्तन का ही देन है। उद्योग की दृष्टि से देखा जाए तो उद्योग धंधों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे ऐसे यंत्र की विकास हुई है जो कम समय में अधिक हमें लाभ देता है। इसलिए कहा जा सकता है कि परिवर्तन धीरे धीरे संपूर्ण भारतवर्ष में हो रहा है और हमेशा होता रहेगा। आज तेजी से परिवर्तन हो रहा है, यही सामाजिक परिवर्तन है। और जब तक परिवर्तन नहीं होगा, किसी समाज और देश का विकास नहीं हो सकता है, किसी परिवार का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि परिवर्तन ही किसी देश और राष्ट्र को शक्तिशाली बनाता है। इसलिए हम सभी को परिवर्तन की दिशा में अग्रसर होना चाहिए, और मूल रूप से कहा जा सकता है यही सामाजिक परिवर्तन है। अंत में मैं कहना चाहूँगा, इस महत्वपूर्ण व्यू को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें, जिससे संपूर्ण भारतवर्ष में ये मैसेज पहुँचे। पुनः एक बार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।